और बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर एमबीएस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत गिरफ्तार हुए हैं। 200 करोड़ के फर्जीवाड़े में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। राज सिंह गहलोत से सीबीआई भी पूछताछ कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में एमबीएस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है। राज सिंह गहलोत को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है और बाद में उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल ईडी अधिकारियों के मुताबिक बैंक ऋण धोखाधड़ी का यह पूरा मामला है, तो 200 करोड़ रुपए का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पूछताछ अब उनसे की जा रही है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई को गुरुग्राम में लगभग 18.98 एकड़ भूमि पर एक वाणिज्यिक भवन के कथित अवैध निर्माण के मामले में जांच करने का निर्देश दिया था। यह आरोप लगाया गया था कि जिस जमीन पर एम्बियंस मॉल बनाया जा रहा है वह एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए थी। सीबीआई ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर एक निजी व्यक्ति गहलोत एम्बियंस लिमिटेड और एम्बियंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और हुडा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अज्ञात अधिकारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईडी और सीबीआई ने पिछले साल गहलोत के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। तो 200 करोड़ के फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर राज सिंह गहलोत जिसकी गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई भी उनसे अब पूछताछ कर रही है। एमबीएस मॉल के मालिक है राज सिंह गहलोत, जिनको गिरफ्तार किया गया है गुरुग्राम से। बड़ी खबर इस वक्त की, 200 करोड़ के फर्जीवाड़े में ईडी ने राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है। आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिटर पीएचएच। आशीष, एक बड़ा मामला है, एमबीएस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत जिनको गिरफ्तार किया गया है, 200 करोड़ के फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है, पूरी डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे इस खबर की। शंकर, देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है राज सिंह गहलोत को। गुड़गांव से उनकी गिरफ्तारी हुई है और 200 करोड़ के बैंक कर्ज से जुड़ा ये हेरा फेरी का मामला है जिसके अंदर ईडी ने ये कार्रवाई की है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई भी राज सिंह गहलोत के खिलाफ जांच कर रही है और उनके साथ साथ जो हरियाणा सरकारी विभागों के अधिकारी हैं वो भी संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि जो गुड़गांव का एम्बियंस मॉल बना हुआ है वो एक सोसाइटी की जमीन थी और इसी की शिकायत जो है वो उठी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। फिलहाल आज जो है राज सिंह गहलोत को दिल्ली की ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर जो ईडी है राज सिंह गहलोत का रिमांड की ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, ताकि राज सिंह गहलोत से पूछताछ की जा सके और कई जो बिंदु हैं वो सामने लाए जा सके। बिल्कुल, और ये बात भी सामने आई, जैसे ईडी और सीबीआई ने बताया जा रहा है कि पिछले साल भी जो राज सिंह गहलोत के कई ठिकाने जिन पर छापेमारी की थी और अब ये पूछताछ आप बता रहे हैं कि सीबीआई भी उनसे कर रही है राज सिंह गहलोत से, मुश्किलें कितनी अब बढ़ने वाली है आगे, क्योंकि मामला छोटा नहीं है आशीष, बहुत बड़ा मामला है अपने आप में। देखिए, मामला इतना बड़ा है कि हरियाणा के अंदर सियासी हलचल देखने को मिल रही है बड़े स्तर पर, क्योंकि कई जो राजनीतिक और जो साथ ही साथ इनके व्यापारिक संबंध थे वो भी संदेह के घेरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से ये सारी जो हेरा फेरी थी, जो धांधलियां थी, वो संभव हो पाई, अन्यथा ये मुमकिन नहीं था। इसी के चलते कई बड़े राजनेताओं के ऊपर भी प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी तक किसी का नाम स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया, लेकिन जो अंदरूनी स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं उसमें हरियाणा के कई बड़े सियासी चेहरे जो हैं वो संदेह के घेरे में नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आशीष आपका। तो फिलहाल संदेह और लगातार 200 करोड़ के फर्जीवाड़ी में ईडी ने फिलहाल गिरफ्तारी की है और आगे मुश्किलें राज सिंह की बढ़ सकती है, और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि क्या और भी लोग, क्या किसी की मिली भगत से ये पूरा कारोबार चल रहा था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।